गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जैसे कि आपको पता है कि अब परसों यानी कि मंडे को होली है, तो उसी की कुछ प्रेपरेशंस कर रही थी मैं। तो आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ईजी है बनाने में, कुछ बड़ी बात नहीं है, तो पर फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कस्टर्ड की क्या क्या प्रेपरेशन कर ली है, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हमें लगेंगे। सो यहाँ पे मैंने मेरे फ्रूट्स वॉश कर लिए हैं। मैंने लिया है दो बनाना, थोड़े से ये ग्रेप्स, दो चीकू, एक एप्पल है और एक अनार है। आपको और जो भी फ्रूट्स मिले हैं, जैसे कि अगर ब्लैक ग्रेप्स मिले तो वो भी यूज़ करिएगा, मुझे मिले नहीं हैं। और मैंने दो पैकेट दूध लिया है, ये अमूल गोल्ड है, हाफ हाफ लीटर के दो पैकेट है। तो अब हम सबसे पहले इसको बॉईल करने रखते हैं। तो अभी मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, उसको हम एक बॉईल आने देंगे और थोड़ा सा उसको ठंडा कर लेंगे जब तक हम हमारे जो फ्रूट्स हैं उसकी कटिंग कर लेते हैं। सो ये मेरा दूध बॉईल हो गया है, इसको मैंने बीच में दो से तीन बार स्टर कर दिया था ताकि ये नीचे चिपके ना। अब गैस मैंने ऑफ कर दिया है, अब हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। इस कटोरी में दो से तीन चम्मच कस्टर्ड पाउडर निकाल रही हूँ, आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैंने लिया है ब्लू बर्ड का। अब ये मैंने कस्टर्ड पाउडर निकाल लिया है, अब इसमें हम रूम टेम्परेचर पर जो मिल्क होता है हमारा वो ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे जब तक इसमें कोई लम्स ना रहे। ये रूम टेम्परेचर वाला मिल्क मेरे पास है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने कस्टर्ड पाउडर पूरा मिक्स कर लिया है, देखिए इसमें कोई भी लम्स नहीं है। आपको इतना ही कंसिस्टेंसी पे विदाउट एनी लम्स मिक्स करना है। अब हम इसको दूध में ऐड कर, इसमें डाल रही हूँ, मैंने दूध में ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये वनीला फ्लेवर का था कस्टर्ड पाउडर, ध्यान रखिएगा फ्लेवर का। और एक चीज़ और, जब आप दूध बॉईल कर रहे हो तो उसमें आप हाफ कटोरी जितना शुगर ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है क्योंकि हम लोग शुगर नहीं लेते हैं। अगर आप लेते हैं तो आप शुगर अपने हिसाब से उसमें ऐड कर लीजिए। ये देखिए ये मेरे सारे फ्रूट्स कट के रेडी हो गए हैं। मैंने एप्पल, अनार, चीकू, ग्रेप्स और बनाना कट करके रखे हैं। अब हम इसको दूध के मिक्सचर में, मेरा दूध ठंडा हो गया है, अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ एक बार अच्छे से। इसको हल्का सा टच करके देखेंगे, हाँ ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, इतना ये मैंने इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करके अच्छे से सारे फ्रूट्स अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ग्रेप्स, बनाना, थोड़ा ध्यान से करिएगा, एप्पल, अनार और चीकू। अब ये देखिए इसको मैंने अच्छे से सब चीज़ें मिक्स कर ली है, ये देखिए एकदम मस्त लग रहा है। अब इसको आप थोड़ा ठंडा कर लीजिए और फिर हम इसको खाएंगे। देखिए ये मेरा कस्टर्ड मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। मस्त हो गया है ये, थोड़ा थिक, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। थोड़ा शुगर का कमी है क्योंकि हम लोग शुगर नहीं खाते हैं। आप लोग प्लीज़ इसमें शुगर डालिएगा, बहुत अच्छा बनेगा और प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। और इलायची जो होती है वो आप पैकेट जो पाउडर मिलता है मार्केट में वो नहीं यूज़ करके घर पे इलायची खरीद के लेके आइए और उसको मिक्सर में ग्राइंड करके फिर यूज़ करिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अलग लगेगा। इसमें मैंने ऐसे ही करा है तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, एक मेरी छोटी सी। ओके गाइस, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैं आज ही इस ब्लॉग को अपलोड कर दूंगी ताकि जब होली रहेगी तो आप इसको रेसिपी को फॉलो करके और इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पसंद आया या नहीं आया। और हैप्पी होली, हैव अ सेफ होली, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर।